अवैध असलों के दम पर छिनैती और लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक जालौन एसएन तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुखबिर की सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई अवैध हथियार और लूटे गए एक दर्जन से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह रात्रि में सड़क के किनारे छिपकर राहगीरों को लूटने का काम करता था। जालौन से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। कुछ लुटेरों को गिरफ्तार किया, किस तरह के लुटेरों को? उरई कोतवाली में सूचनाएं आ रही थी शहर में कि कुछ मोबाइल छिनैती बार बार हो रही है। इसके मद्देनजर एक टीम लगाई गई। उस टीम को ये सूचना मिली कि बघौरा क्षेत्र के कुछ लड़के रहने वाले हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। उनकी सूचना के आधार पर उनको पकड़ा गया। उनसे जब पूछताछ की गई कड़ाई से, उन्होंने अपनी घटनाओं करना स्वीकार किया। उनके पास से मोबाइल भी बरामद हुई है, अवैध तमंचे भी उनके पास से बरामद हुए हैं और कारतूस भी बरामद हुआ है। उनके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दो अभियोग इसमें पंजीकृत था ऑलरेडी, उनको उसी में चालान किया गया। सर, इनका कुछ आपराधिक इतिहास? नहीं, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन ये घटनाएं करते रहे हैं, चूँकि प्रकाश में नहीं आए थे इसलिए इनका कोई अपराधिक इतिहास। सर, ये लूट को कैसे अंजाम देते थे? ये बाइक से जाते थे, बाइक वाला जो था इनका रिश्तेदार था, वो झांसी से भी आता था और उसको भी अभी हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसको करने का, कार्रवाई करने का। वो उसी बाइक से लोग जाते थे और जो भी अच्छा मोबाइल दिखता था इनको उसको छीन करके ले जाते थे।